अच्छा, तो अब हम पहुँचे हैं हाफिज़ जमाल दरबार पे। ठीक है, अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं भाई उधर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ एक भाई और भी हैं, ये ताबिश भाई हैं हमारे साथ, ये हमारे कैमरा मैन भी हैं और एडिट वगैरह भी यही कर रहे हैं, कंपोजर भी है ये। अब हम इंटर हो गए हैं और अब हमने फूल वगैरह ले लिए हैं दरबार में हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। अंदर अब जाते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब इंटर हो गए हम और ये बहुत कदीमी दरबार है और बहुत पुराना है ये देख रहे हो। ये देखें लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नते हैं, दीवे जलाते हैं और पहले हम अंदर हाज़िरी के लिए जाते हैं उसके बाद फिर बाहर। ठीक है। ये कब्रिस्तान का व्यू दिखाएं, ये भी दिखाते हैं। अच्छा, अब अजान हो रही है पीछे, अब हम नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह फिर आपको बाकी इंशाल्लाह पूरा दरबार दिखाते हैं। थैंक यू जी। इस वक्त हम दरबार में मौजूद हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह दरबार में हाज़िरी दी। अब हम सहन की तरफ आए हैं, ये कब्रिस्तान है। एक थोड़ा सा आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ कब्रिस्तान का, ये देखें ये दरबार का व्यू है थोड़ा सा। अच्छा, और यहाँ पे ना इस कब्रिस्तान में काफ़ी सारे औलिया कराम की कब्रें हैं, इसी वजह से मुल्तान को, और मुल्तान में जगह जगह आपको मिल जाते हैं, दरबार भी मिल जाते हैं, औलिया की कब्रें भी मिल जाती हैं, इस वजह से मुल्तान को और मदीनतुल औलिया कहा जाता है, जिसका मतलब है कि औलिया का शहर। और यहाँ सालाना उर्स भी होता है, जैसे शाहरुख नेलम का होता है उस तरह से हाफिज़ जमाल का भी सालाना उर्स होता है। और पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं, इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये सुना है कि बहुत बाहर से बहुत आते हैं और ये बहुत कदीमी है और हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मुल्तान शहर में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शहर में रहते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक मज़े की बात ये है, जिसकी जो मन्नत हो आप यहाँ पर आएँ, अपनी मन्नत मांगें, इंशाल्लाह सब पूरी होंगी। एक बार लाजमी आना आप जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, और इंशाल्लाह मजीद आपको पूरे इंशाल्लाह जो मुल्तान में इंशाल्लाह दरबार है, हम सब की आप तक वीडियो पहुँचाएंगे। जो लोग बाहर होते हैं वो नहीं आ सकते, आपने सब्सक्राइब वो हमें बताएं, हम वहाँ पर, अगर हमें नहीं मालूम वो हमें बताएं, हम वहाँ पर जाते हैं दरबार पर। और दूसरी बात ये भूलना मत, आपकी ये जो उंगली है ना रग रग में तवनाई, इस तरह करके आपने हमें फॉलो भी करना है। शेयर अगर दिल करे तो करना, नहीं करे तो भाई अपने घर में रहो, खुश रहो। और आटा लैन में मिल रहा है। अल्लाह हाफिज़। और मुल्तानी बादशाह की ये बात लाजमी याद रखनी है कि रग रग में तवनाई, ये चीज़ जो है ना, अगर ये होगा तो हम कामयाब होंगे, नहीं वरना नहीं। अल्लाह हाफिज़।